Hello everyone, welcome back. This is part 4th of operating system, and in this video I am talking about evolution of operating system, or we can say classification of operating system or generation of operating system. So the first generation operating system is bare machine. So what is the bare machine? This is the type of machine. There is no concept of operating system and the user cannot interact directly with the machine. They can submit their job through the programmer. यानी कि प्रोग्रामर डिसाइड करता था, प्रोग्रामर इन्वायरमेंट क्रिएट करता था ताकि यूजर वहां पे वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके. देन प्रोग्रामर प्रिपेयर द इन्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज नीड टू एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम, देन प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर सी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वेयर यूजर कैन इजिली एग्जीक्यूट देयर वर्क. बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज setup time. Setup time is too large. If failure occur, then whole process is started from starting. यानी कि suppose अगर आपको कोई letter लिखना है, then first programmer environment create करेगा जहां पे आप letter type कर सकें. और वो environment create करने में maybe 3 से 4 घंटे का time लग सकता है. और फॉर एग्जांपल, अगर 90% आपके जो इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो रहा था वो 90% कंप्लीट हो गया है, अगर कोई एरर आ जाती है देन वो फिर से ओवरऑल प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा. तो इट्स टेक टू टाइम, सो मेनी टाइम. सो नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग. टेक सो मच टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. सो दिस इज टू मेन एडवांटेज ऑफ बेयर मशीन. So it is not a operating system, it is just a concept of operating system. So next operating system is batch machine. Batch machine, it means the group of task. You create a group of task and then submit your task to the system. In batch machine, operating system prepare a batch, a group of similar job, and programmer execute one batch at a time. So suppose ki aapne ek batch bana liya, लाइक सी प्रोग्रामिंग और लेटर राइटिंग का एक बैच बना लिया आपने, ठीक है. म्यूजिक और नेटवर्क का आपने एक बैच बना लिया. तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग या फिर आपको अगर लेटर टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आपने एक बैच बना रखा है, तो आप उस बैच को उठाओगे, आप उसे एग्जीक्यूट कर दोगे, ठीक है. तो हर टास्क के लिए मैंने एक अलग अलग बैच बना रखा है. लाइक अगर मैं ऐसे कहूँ तो मान लीजिए आपके पास 4 पेन ड्राइव हैं, और 4 पेन ड्राइव में एक पेन ड्राइव आपने गेमिंग के लिए रखा है, एक पेन ड्राइव में आपने म्यूजिक रखा है, एक पेन ड्राइव में आपने मूवी रखी है. तो इस तरह का अगर आपको गेम खेलना है तो आप कौन सा पेन ड्राइव लगाओगे? गेमिंग वाला. मूवी देखना है तो मूवी वाला. तो इस तरह से म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक वाला पेन ड्राइव. तो क्यों? क्योंकि आपने पेन ड्राइव ले रखी है, उसमें आपने बैच बना रखे हैं, इट मीन्स कि सबका कलेक्शन कर रखा है. तो यहाँ पर भी सेम, अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो जो टास्क परफॉर्म करना है उसका एक सिमिलर बैच होगा, उस बैच को आपको एग्जीक्यूट करना होगा, या फिर उस टास्क का बैच बना के रख लो एंड देन आप उसे एग्जीक्यूट करो. एंड नंबर थर्ड जो आता है वो होता है स्पूल या स्पूलिंग. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक बैच मशीन. तो इट इज अ कॉन्सेप्ट, जस्ट अ कॉन्सेप्ट एडेड इन सेकंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम. स्पूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बफरिंग. इट स्टैंड फॉर सिमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन. व्हाट इज द टास्क ऑफ स्पूल? इट इम्प्रूव द स्पीड मिसमैच बिटवीन द ड्राइवर्स. स्पूल कॉन्सेप्ट इज इन्वेंटेड बाय विच वी कैन बफर द इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस. एंड नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द जॉब इन सच ए वे सीपीयू हैज ऑलवेज वन जॉब टू एग्जीक्यूट. नेक्स्ट इज मल्टी टास्किंग एंड समटाइम इट्स कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इन विच वी डिवाइड द प्रोसेसिंग टाइम इन टू टाइम स्लॉट एंड दीज टाइम स्लॉट आर असाइन टू देयर क्लाइंट मशीन. सच स्विचेस एंड स्विचेस बिटवीन दीज मशीन्स इज अ राउंड रॉबिन फैशन. ओके, द अनदर इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नंबर वन क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर टू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वट इज द क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशली डिजाइन टू सर्व द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच
One of the machine is work as master machine and another as follow their instruction called slave machine, like Windows NT, Windows 2008, Windows 2003 and Unix. And another is distributed operating system. So when network involved in any communication, then it is called distributed. So distributed machines are scattered in separate geographical location and connected to an internet connected network. Yeah, interconnected network. In distributed operating system, all the machines are shared their resource like hardware, software, between all other machines which are in that network. Okay, and the next is multiprocessing operating system. So multiprocessing, a system that has multiple processor, is called multiprocessing operating system. So there are two concepts of multiprocessing system, like uniprocessor and multiprocessor. Uniprocessor means a machine with one processor is called uniprocessor, and multiprocessor, a machine with one or more processor, is called multiprocessor. So multiprocessor operating system enable to support and utilize multiple processor on a single machine. So multiprocessing machine are categorized into two category, like number one, loosely coupled system, and number two, tightly coupled system. So what is loosely coupled system? In this type of system, each processor have their own memory. And tightly coupled system, in this tightly coupled system, all processor access the shared memory of system. They have no individual memory. Asymmetric multiprocessing system. What is asymmetric multiprocessing system? So guys, there is two another concept, that is asymmetric multiprocessing system. One processor work as master processor and other processor copy the task of master processor. And another is symmetric multiprocessing. There is no master processor. So another operating system is real-time operating system. So what is the real-time operating system? So the primary objective of real-time operating system is provide a quick response time by which a program executed in certain time period. Secondary coherence of such operating system to provide user interface and resource utilization. These type of operating systems are used in missile launching, air traffic controlling, medical imaging system. So there are two type of real-time operating system. Number one, soft real-time operating system, and number two, hard real-time operating system. So what is the soft real-time operating system? It is a type of operating system, if certain deadline are not met, then operating system continues their execution with degraded performance, like video या virtual reality system या video buffering. तो suppose कि अगर आपकी net internet connection की speed slow है, then video buffering आपका होगा but low resolution में, तो क्या performance उसकी घट जाएगी. And what is the hard real time operating system? In hard real time operating system, if certain deadline are failed, continuous their execution, like missile launching, air traffic controlling, etc. So thank you for watching.